वायु शुद्धिकरण के कृत्रिम साधन। वायु शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित कृत्रिम साधनों का प्रयोग किया जाना चाहिए। सभी प्रकार के भवनों, निवास स्थलों आदि को निर्मित करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि वह शुद्ध वायु तथा प्रकाश सरलता से आए तथा जाए। पेड़ पौधों तथा अन्य वनस्पतियों को अपने घर के आसपास उगाना चाहिए, क्योंकि इन पेड़ पौधों के माध्यम से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घटती है तथा ऑक्सीजन की मात्रा में बढ़ोतरी होती है। इस प्रकार वायु शुद्ध बनी रहती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद है। पशुपालन का कार्य निवास स्थल से दूर होना चाहिए, क्योंकि इससे दुर्गंध आदि घर में नहीं रहेंगी। सड़कें पक्की होनी चाहिए, क्योंकि कच्ची सड़कों पर अधिक वाहन चलने से धूल उड़ती है और जो शुद्ध वायु को प्रदूषित करती है। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान वर्जित होना चाहिए। घरेलू अंगीठी इत्यादि से निकलने वाले धुएं तथा अन्य विषैली गैसों को बाहर निकालने के लिए चिमनी आदि का प्रयोग करना चाहिए, जिससे घर के अंदर धुआं तथा विषैली गैसें ना आ सके। कारखानों तथा अन्य औद्योगिक संस्थानों को मानव बस्तियों से दूर स्थापित करना चाहिए, जिससे उनसे निकलने वाली विषैली गैसों तथा धुएं आदि को चिमनियों के माध्यम से अधिक ऊंचाई पर खुले में निकाला जा सके। कोयला, धान की भूसी, धान, लकड़ी, कंडी आदि ईंधन के स्थान पर विद्युत एवं प्राकृतिक गैस का उपयोग करना चाहिए। कृषि एवं औद्योगिक वर्ज्य पदार्थों को खुले मैदानों में नहीं जलाना चाहिए। उद्योग तथा कारखाने निवास स्थानों से दूर होना चाहिए तथा चिमनियां पर्याप्त ऊंचाई पर होना चाहिए, ताकि धुएं से किसी प्रकार की हानि ना हो सके। वायु के आवागमन की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे वेंटिलेशन एवं क्रॉस वेंटिलेशन की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एक ही कमरे में अधिक व्यक्तियों के सोने से वायु दूषित हो जाती है, अतः अधिक व्यक्तियों को सोने के कमरे में एक साथ नहीं सोना चाहिए। घर में कीटनाशक पदार्थों जैसे DDT, तूतिया, ब्लीचिंग पाउडर आदि को गंदे स्थानों पर छिड़कना चाहिए, जिससे वायु शुद्ध हो जाती है। संक्रमित रोगियों को पृथक रखना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह हर जगह थूके नहीं। उन्हें खांसते और छींकने के समय मुंह तथा नाक पर रुमाल या मास्क लगाना चाहिए। इस प्रकार अशुद्ध वायु को कुछ सीमा तक शुद्ध किया जा सकता है तथा संक्रमित होने से बचा जा सकता है। शुद्ध वायु प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि जिस स्थान में हम निवास करते हैं, वहां प्रत्येक कमरे में रोशनी पहुंचे तथा अशुद्ध वायु को बाहर निकालने तथा शुद्ध वायु को भीतर पहुंचने का समुचित प्रबंध होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक मकान, विद्यालय तथा सिनेमा घरों में ऊपर की ओर रोशनदान तथा पंखे लगे होने चाहिए, या पंखे अशुद्ध वायु को रोशनदान से बाहर निकालते रहते हैं, कमरे की वायु को सदैव गतिशील बनाए रखते हैं। अनेक पर्यावरणीय सोसाइटियां तथा स्वयंसेवी संस्थाएं भी वायु प्रदूषण की समस्या के प्रति गंभीर एवं जागरूक हैं तथा जन चेतना पैदा करके लोगों को वायु प्रदूषण के बारे में केवल जानकारी ही नहीं दे रहे हैं, बल्कि उन्हें इसके भयंकर दुष्परिणामों के बारे में विभिन्न दृश्य श्रव्य माध्यमों से अवगत करा रहे हैं। भारत में भी आर्थिक विकास एवं पर्यावरण की सुरक्षा एवं एकीकरण करने के लिए 1989 पर्यावरण मंत्रालय का गठन किया गया। यह मंत्रालय पर्यावरण योजना के क्रियान्वयन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय नीतियां एवं संधियों का भी क्रियान्वयन करता है। अशुद्ध वायु के कारण विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तथा घातक हो सकते हैं। अतः शुद्ध वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हम शुद्ध वायु का अधिक से अधिक सेवन करें तथा वायु को अशुद्ध ना होने दें। हवा का परीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ एयर। हम हवा का परीक्षण निम्नलिखित विधियों से कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों द्वारा, बाय सेंस ऑर्गन्स। इसके माध्यम से कमरे में प्रवेश करते ही सूंघकर दुर्गंध या सीलन या घुटन का अनुभव कर लेते हैं। पैटर्न कोपर का परीक्षण, पैटर्न कोपर्स टेस्ट। इस परीक्षण के द्वारा वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। एनीमोमीटर, इसके द्वारा वायु की गति तथा भार ज्ञात किया जा सकता है। काटा थर्मामीटर, यह थर्मामीटर हवा की ठंड अर्थात ताप की कमी ज्ञात करने के लिए उपयुक्त होता है। इसकी नली में 95 डिग्री फ़ारेनहाइट
से 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक चिन्ह बने होते हैं। कांटा थर्मामीटर की खोज लियोनार्ड हिल नामक वैज्ञानिक ने की। शुष्क कांटा या ड्राई कांटा, इसमें बल्ब बिना ढका होता है। यह वायु के ठंडा करने की शक्ति को विकिरण तथा संचरण द्वारा मापता है। आर्द्र कांटा या वेट कांटा, इस यंत्र का बल्ब गीले रेशमी और सूती कपड़े से ढका रहता है। यह वायु को ठंडा करने की शक्ति को विकिरण संचरण तथा वाष्पीकरण यानी रेडिएशन कन्वेक्शन इवापोरेशन द्वारा मापता है। पाठ्यांक या रीडिंग, घुटन जैसा प्रभाव उत्पन्न करने वाले कमरे में शुष्क कांटा थर्मामीटर का तापमान कम होता है। यह थर्मामीटर कमरे के भीतर 6 या उससे अधिक का पाठ्यांक बताकर वायु की ताजगी का संकेत प्रदान करता है। आर्द्र कांटा थर्मामीटर 18 पाठ्यांक बताकर वायु की ताजगी का संकेत देता है। शुष्क और आर्द्र कांटा थर्मामीटर के पाठ्यांकों का घटाव करने से यदि शेष 12 निकले तो वातावरण अनुकूल तथा आरामदेह समझना चाहिए। 12 से कम होने पर कष्टकर और अत्यधिक होने पर वातावरण अनावश्यक ठंडा होने का संकेत प्रदर्शित करता है। इसलिए स्वयं को स्वस्थ एवं निरोग रखने के लिए स्वच्छ व ताजी हवा शरीर को मिलना परम आवश्यक है। धन्यवाद।